यार भाई यहाँ पे ये राइट राइट एंड सिर्फ लुक राइट थैंक यू फैजान सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आज का जो आपका लुक है वाकई बहुत डिफरेंट है क्या कुछ चल रहा है कुछ बताना चाहेंगे देखिए शादी का मौका है ऑफकोर्स शादी के मौके में सभी खुश होते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी लाहौर पाकिस्तान जा रहा हूँ निकाह करने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों ने और मेरी खुशी को बढ़ा दिया है यहाँ के जहाँ निकाह की बात आती है आजकल हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जहाँ एक लड़की डांस करते हुए नजर आ रही है वैसे ही कुछ आपका भी कंटेंट लग रहा है कुछ बताना चाहेंगे वो आयशा है वो मेरी जान है मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान अभी मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा सब फॉर्म है आपको दिखा देता हूँ अभी मैं और मैं उनसे निकाह करने जा रहा हूँ और उनको अपनी बेगम बना के बॉम्बे वापस लेके आने वाला हूँ आयशा के साथ आपकी मुलाकात कैसी हुई और ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया कुछ बताना चाहेंगे जी देखिए जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है लता जी का जब से मैं उनको देख के बहुत एक्साइटेड हो गए हूँ आप ये कह सकते हैं मैं बहुत पागल हो गए हैं और मैंने ठान लिए कि कुछ भी हो जाए कोई भी ताकत मुझे रोके मैं आयशा से निकाह करके लेके आऊँगा इसलिए मैंने उनको महर 15 लाख रुपए देने का भी फैसला किया है जो आपको पता होगा मुस्लिम समाज में महर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो महर एक्चुअली जो भी जो लड़की होती है उसकी सेफ्टी के लिए एक अमाउंट होता है कि इनकेस खुदा ना खास्ता कभी आप लोग अगर अलग होते हैं तो उसकी सेफ्टी अमाउंट होता है जो लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको तय करते हैं तो मैंने वो 15 लाख रुपए देने का आयशा को फैसला किया है वो 15 लाख रुपए मेहर के मैं दूंगा और उससे निकाह करूंगा साथ ही आयशा से आपकी मुलाकात कब हुई कैसे हुई कुछ बताना चाहेंगे ख्वाबों में मुलाकात आयशा से रोज़ होती है मेरी और मैं इतना मुझे सब्र नहीं हुआ तो आप ये देख सकते हैं मैं ये पूरा पाकिस्तान एम्बेसी का वीज़ा फॉर्म है जिसमें मैं ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल कर चुका हूँ और मैं परसों जा रहा हूँ पाकिस्तान एम्बेसी ये सारी डिटेल्स इसमें ऑलरेडी फिल हैं मेरा फ़ोटो है मेरी डिटेल्स हैं और ये मेरे 2 पासपोर्ट हैं क्योंकि एक पासपोर्ट मेरा ऑलरेडी फिल है काफ़ी उसमें वीज़े लग चुके हैं बट अभी इसमें ये वीज़ा पासपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी पाकिस्तान का वीज़ा लगने वाला है ये जो 2 पासपोर्ट है मेरे आप देखिए देख सकते हैं आप लोग सभी जितने लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं खुद ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरा पासपोर्ट है जो नया बना है इसमें मैं अभी पाकिस्तान का वीज़ा लगने के बाद मैं लाहौर जा रहा हूँ और आयशा से निकाह करके आऊँगा और मैं आज नेशनल चैनल पे सबके सामने ऐलान करता हूँ कि आयशा से मैं निकाह करने जा रहा हूँ मेरा नाम फैज़ान अंसारी है मैं मुंबई में रहता हूँ और 15 लाख रुपये मेहर दे के मैं आयशा से निकाह करने जा रहा हूँ और निकाह मुझे कबूल है आयशा से निकाह मुझे कबूल है मुझे निकाह कबूल है सो 3 बार कह के मैं निकाह कबूल कर चुका हूँ बस आयशा की हाल लेने जा रहा हूँ साथ ही जिस तरीके से आयशा फेमस हुई थी उनके गाने के वजह से उनके डांस के वजह से क्या आप भी आपकी शादी में उस तरीके का कुछ विजुअल्स आपका भी वायरल होगा ऑफ कोर्स हम दोनों मिलके ही ऐसा शादी डांस करेंगे और मेरा प्लान ये है कि एक लाहौर में हम रिसेप्शन करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग शायद उसमें आ नहीं पाएंगे लेकिन जो बॉम्बे में रिसेप्शन करेंगे उसमें आप सभी को आना है तो हम और आयशा दोनों मिलकर साथ डांस करेंगे और आयशा अगर आप मुझे देख रही हैं तो मैं आपके पास आ रहा हूँ आपका दिलबर आपका जाने मन आपके पास आ रहा है बस 2 दिन की बात और है क्या आयशा मुंबई आएगी ऑफ कोर्स आएंगी अभी उनका हस्बैंड अगर मुंबई में है तो वो आएंगी और मेहर के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी तो अगर जैसे खुदा ना खास्ता आयशा और हम कभी अलग होते हैं तो एक सिक्योरिटी अमाउंट आयशा के पास रहेगा 15 लाख रुपए जो उनको हमेशा कमाएगा वैसे ऐसा कभी है नहीं तो वो भी मैं नेशनल टीवी बता चुका हूँ कि 15 लाख रुपये मैंने अलग रखे हैं आयशा को देने के लिए साथ ही आयशा के मॉम डैड से भी क्या आपकी बात हुई है जी उनकी टीम से उनकी टीम से पूरा कोऑर्डिनेशन मेरी टीम कर ही रही है सो बस बेसब्री से सभी को बहुत तेज़ी से इंतज़ार है सो बस मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ इस वीक में ये मैंने पूरी फॉर्मेलिटी कर दी ऑलमोस्ट मैं अभी जा रहा हूँ बस लास्टली सभी को क्या कुछ कहना चाहिए ये कहना चाहूँगा मेरी शादी में सब लोग शरीक हों इंडिया में हों पाकिस्तान में हों सब एक ही हैं लेकिन मैं अभी आयशा से निकाह करके यहाँ लेके आ रहा हूँ उनको और आप सबका बहुत सपोर्ट मुझे हमेशा रहेगा और आप सब पहले से मेरी शादी में इन्वाइटेड हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस थैंक यू ये देख सकते हैं कौन प्लीज बताइए आयशा मेरी जान है ये देखिए आप जो अभी पाकिस्तान में उनका वीडियो वायरल हुआ है और लता जी के साथ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं जो लता जी की आवाज़ में जो वायरल हुआ है ये आयशा मेरी जान है आप देख सकते हैं मेरी जान में आ रहा हूँ आपके पास कोई नहीं रोक सकता मुझे आपके पास आने से ये देखिए आप और ये डांस हम दोनों बॉम्बे में रिसेप्शन में करने वाले हैं एक्चुअली ये डांस हम और आयशा दोनों रिसेप्शन में करने वाले हैं और आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करिएगा वैसे सब आयशा को पहचानते हैं आप लोग भी देख लीजिए इन्होंने मेरा नींद मेरे चैन सब छीन लिया है अभी ये मेरी शरीक आयत बनने वाली है मैं इनका शोहर बनने वाला हूँ और इनको बेगम बना के मैं बॉम्बे लाऊंगा ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है क्या आयशा भी आपको फॉलो कर रही है इंस्टा पे
ऑफकोर्स देखी कर रही होंगी। मैंने इंस्टा पे आयशा भी बहुत ज़्यादा वायरल अभी इस वीडियो के बाद हुई हैं। सो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाके होंगी, 3-4 दिन की खाली बात है। साथ ही जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि निकाह होने वाला है, तो सभी निकाह के लिए सभी चीज़ें आयशा के लिए आपने ले ली शॉपिंग जी? शॉपिंग तो देखिए अभी वो जो बताएंगी वही शॉपिंग करेंगे। निकाह का जो प्रोसेस है, जो मेहर की अमाउंट है 15 लाख रुपये जो मैं उनको दे रहा हूँ, वो रेडी मैंने लिखा है, फॉर्मेलिटी कर ली है। नहीं नहीं बिल्कुल तरफ से नहीं है, वो मेरे तरफ से है, क्योंकि जो शोहर होता है, जो हस्बैंड होता है हमारे मुस्लिम समाज में, वो अपनी तरफ से एक अमाउंट तय करते हैं, तो जिसकी जैसी कंडीशन होती है फाइनेंशियली, आज ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत दिया है तो मैंने इसलिए 15 लाख रुपीज़ डिसाइड किए। थैंक यू।